हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेड और आलू की इतनी बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ ना। मैंने, अगर आपको ब्रेड पकौड़े अच्छे लगते हैं ना, तो ये तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एक बढ़िया सी रेसिपी है, क्रिस्पी। अगर आपका वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ चटपटा मसालेदार हो, बनाना बहुत आसान हो, घर पर जल्दी से बन जाए, तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए मैं वाइट ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप ब्रेड के स्लाइसिस लें और उनको राउंड काट लें। तो घर पर रखी कटोरी को, ग्लास को यूज़ करके आप इस तरीके से दबाइए और गोल आकार, मतलब एकदम राउंड निकाल लीजिए पीसेस। और जो किनारे बच गए हैं, इन्हें सुखा कर आप ब्रेड क्रम बनाकर इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह से आपने जितने भी बनाने हैं, हमारे इंस्टेंट वड़ा पाव कह सकती हूँ, उसके लिए आप राउंड ब्रेड स्लाइसेस निकालिए। उबले आलू को भी मसल लीजिए। ये देखिए, अच्छे से आप इसे सॉफ्ट, जितना ताज़ा आलू आप मसलेंगे उतना सॉफ्ट रहेगा। और इसमें फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम वड़ा पाव बना रहे हैं तो गार्लिक के बिना कैसे बनेगा, तो इसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की कूट कर या फिर ग्रेट करके, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड कर दीजिए। और इसमें गार्लिक ऐड हो गया है, तो बाकी मसाले भी हम ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा चाट मसाला, नमक मिलाएंगे, लाल मिर्च मिलाएंगे, तीखा अच्छा लगता है खाने में, थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, साथ में मिलाएंगे इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया। मेरे पास ताज़ा हरा धनिया नहीं है, मैंने ड्राई करके थोड़ा रखा हुआ था, उसे धोकर ऐड कर दिया है। अब धनिया भी ऐड कर दिया है, सब कुछ ऐड कर दिया है, बस मिक्स कर लेते। अच्छे से मिक्स कीजिए और हमारा आलू का जो मसाला है बनके रेडी हो गया है। इसे एक तरफ रखते हैं। अब हम बैटर बनाएंगे बेसन का। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब बेसन ले रही हूँ। इसमें मिलाऊंगी थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और साथ ही इसमें मैं गार्लिक फिर से ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 कलियाँ लहसुन की लीजिए, इन्हें आप ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ट्राई कीजिएगा। बैटर में कभी भी बेसन बैटर में लहसुन मिलाओ तो मज़ा आ जाता है। ऐसे हम पानी मिलाएंगे और इसका थोड़ा सा हल्का पतला घोल बनाएंगे, क्योंकि बहुत थिक बनाएंगे तो हमारा जो ये ब्रेड से बनेगा जो स्नैक, थोड़ा थिक लेयर रहेगी। मतलब बहुत पतली लेयर और बहुत थिक ना हो, तो आप सेमी इस तरह से बैटर बना लीजिए। बैटर बनके तैयार है। मसाला हमारा आलू का ज़बरदस्ता बना हुआ है, और बस अब क्या करना है, सभी चीज़ों को आपस में लगाना है और डीप फ्राई कर लेना है करारा सा, लेकिन स्वाद और बढ़ेगा। तो इसमें मैं धनिया की चटनी, इसमें भी थोड़ा सा लहसुन है, तो धनिया की चटनी लगाते हैं पहले ब्रेड पर। फिर ये जो आलू का हमने मिश्रण बना कर रखा है, इसे भी इवनली, इसकी थोड़ी सी थिक लेयर को हम स्प्रेड कर लेते हैं। देखिए एक तरफ, अब इसे दूसरी ब्रेड स्लाइस से हम बंद कर देते हैं कवर। अभी हम इस पर फिर से आलू लगाएंगे, ताकि हमारा जो ये बढ़िया सा वड़ा पाव है ना, ये उल्टा पुल्टा ब्रेड पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त बने। इसमें दोनों तरफ हम आलू की ये मिक्सचर की लेयर लगाएंगे। देखिए एक तरफ मैंने लगा ली है, पलट देते हैं, और दूसरी तरफ भी हम इस आलू के मिश्रण को लगा देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा स्नैक है। मैंने अभी पिछले दिनों स्ट्रीट फूड सीरीज़ में देखा था ये रेसिपी को, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। घर पर ट्राई की तो सबको अच्छी लगी, तो आपके लिए बना रही हूँ। बस इसको अब आपने बेसन से अच्छी तरह कोट करना है और गर्मा गर्म तेल में फ्राई करना है। इसे आप अभी हाफ डन कीजिए, मतलब थोड़ा फ्राई कर लीजिए और करके निकाल लीजिए, अध कच्चा अध पक्का जिसे कहते हैं, बनाकर आप इसे निकाल लीजिए। और जैसे शाम को खाना है या 1 घंटे बाद खाना है या आपने 10 मिनट बाद खाना है, तो इसे रूम टेम्परेचर पर लाइए और फिर दोबारा से फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी होगा, ऊपर की लेयर बहुत खस्ता होगी। तो हाफ डन मैंने निकाल लिया है, ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं ठंडा हो गया, मैंने अच्छे से हाथ में पकड़ा हुआ है। अभी फिर से मैं इसे मीडियम हॉट ऑयल में डाल रही हूँ। एकदम ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, और मीडियम हॉट ऑयल में आप इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। तो मैं 2 बना रही हूँ, दोनों को एक साथ फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से क्रिस्पी कीजिए, जैसे कि आप बाजार में खाते हैं ना क्रंची चीज़ें, उसी तरीके से आप घर पर भी फ्राई कीजिए। ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा बन गया वड़ा पाव पकौड़ा, पता नहीं क्या क्या नाम मैं बार बार ले रही हूँ। तो ये देखिए बनकर रेडी हो गया है। इसे निकालिए और इसे चटनियों के साथ सर्व कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्नैक रेसिपी है, आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। टिफिन में भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जनरली, क्योंकि किनारे ब्रेड के सूख जाते हैं। इसमें हमने किनारे काटे हैं और आलू की स्टफिंग बहुत ज़्यादा की है, जिस वजह से बहुत अच्छा है। देखिए कितनी पतली लेयर्स में ब्रेड की और आलू खूब सारे हैं और चटपटे मसालेदार हैं। इसे मैं इमली की मीठी चटनी और हरे धनिया की चटनी के साथ दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 4 इसके टुकड़े करे हैं, ऊपर चाट मसाला डालना चाहिए डाल सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है ना। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।